तो हम तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। पुरारे तमाम राज्य कर्मचारी संगठन आपके साथ हैं। लड़ाई कैसे लड़नी है, हमारे अंदर जोश है, जज्बा है, हमारे अंदर शक्ति और आप हमारे साथ हैं। कहीं भी आप कमजोर नहीं है। आपके साथ इस लड़ाई के अंतिम छोर तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने के लिए तैयार हैं। जिला प्रशासन, उससे कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं। हमारा स्वास्थ्य प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। हम आपके साथ हैं। अगर आपकी तरफ तिरछी नजर से भी किसी अधिकारी ने देख लिया तो उसका हम जवाब बहुत है। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, पत्रकार उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से। जिले के स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की पिछले दो दिनों से हड़ताल आज भी जारी है। पिछले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ही, जो यहाँ पर मरीज हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं, इमरजेंसी सेवाएं भी चरमरा सकती हैं अगर हालात यही रहे। आज भी कर्मचारियों ने यहाँ पर CMO कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इन लोग की मांग है, जो उनकी लंबित मांग है, पिछली बार कई बार सरकार से मांग हुई, उन्हें आश्वासन मिला, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिसको लेकर वो परेशान है। इन लोगों की प्रमुख मांगों में है, जो आशा कार्यकर्ती है उनको 10,000 का मानदेय देने के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही वेतन मान मिले, यानी जैसा काम वैसा ही दाम, ये मांग कर्मचारियों की। इस हड़ताल को बल उस समय मिला जब संयुक्त कर्मचारी परिषद है, राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद है, और जो स्थानीय प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ है उसने भी समर्थन दिया, जिस कारण जो जनपद के 8 ब्लॉकों में जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हैं। कर्मचारियों का आंदोलन इस कदर जारी है कि OPD सेवा पूरी तरीके से प्रभावित है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएँ ही चल रही हैं। वहीं जो जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, उन्होंने ये बताया कि हम स्वास्थ्य सेवाएँ चालू रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्टाफ फिर भी जो संविदा स्टाफ है वो बेहद ज़्यादा है। कोशिश होगी कि इनकी मांगों को सरकार तक ले जाया जाए और जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाया जाए। जयप्रकाश, पत्रिका TV, मुरादाबाद।